2024 लोकसभा की चुनावी जंग जिन्ना मुस्लिम लीग से होते हुए अब पाकिस्तान पहुंच गई है और इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी जंग शुरू हो गई है। इस जंग की शुरुआत बीते कल सहारनपुर से हुई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सहारनपुर में एक चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने और आगे कहा कि इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं और कांग्रेस इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी करारा पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इतिहास से परिचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया था, कांग्रेस ने नहीं। उत्तर प्रदेश को तो क्योंकि यहां के लोग बहुत जानकार है, समझदार है, आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां है और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। वे बुनियादी बात करते हैं मुस्लिम, मैं उनको प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं 1940 1941 42 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के स्थापक थे, वो बंगाल की राज्य जो सरकार थी, बंगाल प्रोविंस की जो सरकार थी उस सरकार में वो शामिल थे, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग जिन्ना की मुस्लिम की लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने हमेशा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की विरोध किया है, जिन्ना का विरोध किया है, और जिन्ना के कौन प्रशंसक है? आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं जिन्ना का की प्रशंसा करते हैं, जसवंत सिंह जाते हैं जिन्ना की प्रशंसा करते हैं। जिस व्यक्ति ने देश का विभाजन किया, जिसकी जिम्मेदारी है पार्टीशन की, उसकी प्रशंसा करते हैं आडवाणी जी और जसवंत सिंह जी। और जो बिना बुलाए कौन पाकिस्तान, कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं जो बिना बुलाए हुए पाकिस्तान जाते हैं? नरेंद्र मोदी। तो ये क्या बातें करते हैं मुस्लिम लीग की बातें? इतिहास
इस इतिहास को मिटा नहीं सकता है। हालांकि बीजेपी में कई ऐसे डिस्टोरियन लोग होते हैं, हिस्टोरियन है पर डिस्टोरियन भी होता है, जो इतिहास को नए रूप देने में लगे हुए हैं, पर इस इतिहास को कोई नया रूप नहीं दे सकता क्योंकि ये हकीकत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता, जनसंघ के स्थापक, वो मुस्लिम लीग के साथ शासन में थे 2-3 साल, ये प्रधानमंत्री के गुरु हैं। फिलहाल तो चुनावी माहौल में जिन्ना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की एंट्री के बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जंग आगे और कितनी रफ्तार पकड़ेगी और किसे कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।